जैसे आपको अवगत है कि आगामी 30 तारीख को लखनऊ के पावन धरती पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई जो लेखपाल की भर्ती हो चुकने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी गई, आज हम वही भाइयों के संग बैठे हैं और उस आंदोलन की रणनीति का विचार, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इनकी नौकरी मिलेगी, इन मुद्दों को लेके आज हम इको गार्डन में आए हैं। और मेरा फिर पुनः आपसे अनुरोध है कि 30 तारीख को अपने दिव्यांग भाइयों के साथ देने के लिए बड़े से भारी संख्या में लखनऊ आए। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। इको गार्डन पहुंचे दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारी, लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग जनों के समर्थन में 30 को करेंगे प्रदर्शन। लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग अभिषेक की हत्यारी है सरकार वीरेंद्र कुमार। दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारी आज इको गार्डन पहुंचकर लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग जनों के आंदोलन के समर्थन में 30 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार की। महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग अभिषेक की हत्यारी है। अभिषेक का बलिदान व दिव्यांगजनों का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। 30 सितंबर का आंदोलन दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के 54 लाख दिव्यांगजनों की अपेक्षा कर रही है। शिक्षित बेरोजगार दिव्यांगजन भूखमरी के शिकार हैं। दिव्यांगजन आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास सत्तापक्ष को कराएंगे। महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन को सरकार कमजोर आंकने की भूल न करें, वरना परिणाम गंभीर होंगे। दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा करवाने के लिए महागठबंधन अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। 30 सितंबर को सरकार की हिलाने का काम गठबंधन करेगा। आज इको गार्डन में महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद के साथ महासचिव वीरेंद्र कुमार, विकास कुमार सहारनपुर, सतीश कुमार शामली, दिलबाग सिंह कानपुर देहात, हेमंत सिंह गाजियाबाद, सुधीर कुमार ब्रह्मा सीतापुर, ज्ञानेंद्र पाठक लखनऊ आदि उपस्थित थे। जैसे आपको अवगत है कि आगामी 30 तारीख को लखनऊ के पावन धरती पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई जो लेखपाल की भर्ती हो चुकने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी गई, आज हम वही भाइयों के संग बैठे हैं और उस आंदोलन की रणनीति का विचार, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इनकी नौकरी मिलेगी, इन मुद्दों को लेके आज हम इको गार्डन में आए हैं। और मेरा फिर पुनः आपसे अनुरोध है कि 30 तारीख को अपने दिव्यांग भाइयों के साथ देने के लिए बड़े से भारी संख्या में लखनऊ आए और इनका सहयोग करें। धन्यवाद। कोई भी हो, आउटसोर्सिंग हो या कोई भी कैटेगरी हो, आप जो है हर जगह अपना अधिकार मांग सकते हैं, उसमें कहीं कोई मना थोड़ा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार दे रही है कि नहीं दे रही। अब तो हक छीनने से मिलेगा आपको, लड़ने से मिलेगा। इतनी आसानी से आज जनवरी से आज आप यहाँ बैठे हुए हो, और जनवरी से लेके आज सितंबर हो गया, ठीक है, कोई सुनने वाला है? वार्तालाप से क्या नतीजा निकला? हर आदमी पल्ला झाड़ रहा अधिकारी। अरे भाई, जब आपने विज्ञापन जारी किया, बच्चों ने पेपर दिया, पेपर में पास हुए, पास होने के बाद आपने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अब आपको नौकरी देने का नंबर आया, तो कह रहे आप अच्छा में। ये गलती किसकी है? जिसकी भी हो, बच्चों की क्या गलती? उन्होंने तो रात दिन मेहनत किया, 2 साल मेहनत करके पेपर दिया, पास हुए, पास होने के बाद जो है वो आज यहाँ धरना बैठे, कितनी दुखद स्थिति। आज इको गार्डन लखनऊ में चयनित लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग भाइयों के बीच में हूँ, और उनके लिए 30 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग साथी लखनऊ पहुँच रहे हैं। दिव्यांग महागठबंधन इसलिए बनाया गया है कि दिव्यांग जनों की जो भी पीड़ा है, जो भी समस्या है, जो भी मांग है, उसको पूरा सरकार करे।
छोटे छोटे ग्रुपों में जो लोग बटे थे वो आज दिव्यांग महागठबंधन का हिस्सा हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि 30 तारीख को जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो लोग बटे हुए हैं वो उनकी संख्या 30 तारीख को भारी होने जा रही है। सरकार को चेतावनी है कि 30 तारीख के पहले जिन दिव्यांग भाइयों ने मेहनत की, विज्ञापन जारी हुआ, पेपर दिया, पेपर में पास हुए, पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उनको सरकार ने अक्षम बता करके नौकरी नहीं दी, वो अभी सुधर जाए सरकार। दिव्यांगों के अधिकारों का हनन करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग हैं, उत्तर प्रदेश में 54 लाख परिवार, अगर सरकार ने ये लेखपालों के पद पर ये नियुक्ति नहीं की तो 54 लाख दिव्यांग और उनके परिवार सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, जिस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है जिस सरकार में दिव्यांगों का हक मारा जा रहा हो, अधिकार मारा जा रहा हो। ये चेतावनी है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। आयोग ने गलती की है या राजस्व विभाग ने गलती की है, इन बच्चों की क्या गलती है, सरकार को ये बताना पड़ेगा, जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारी संख्या कम नहीं है, हम भारी संख्या में हैं और हम लोगों ने अब दिव्यांग महागठबंधन बना करके अपने आप को एकजुट कर लिया। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।